नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक जेंट्स अंडरवियर या कच्छा आपको बनाना सिखाने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियोस में मुझे कमेंट्स मिल रहे थे कि सर हमें एक जेंट्स कच्छा या अंडरवियर बनाना सिखाए, तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक अडल्ट साइज का, एक नॉर्मली साइज का जो अंडरवियर है वो बनाना सिखाने वाले हैं। इसके लिए हमें 1 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है, तो इसे देखिए हम किस तरह से तय करते हैं। ये देखिए हमारा 1 मीटर कपड़ा है, इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया, इसके बाद में हम इसे इस तरह से इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा हो गया, 4 तय हो गया है। इस तरह से हमें फोल्ड करना है। इसके बाद में आपका ऊपर की तरफ से अगर एक्स्ट्रा कोई कपड़ा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, उसे कटिंग कर लें, और इसके बाद में इसमें ये ऊपर फोल्डिंग का निशान लगा लें। फोल्डिंग का निशान आप अपने अकॉर्डिंग लगा लें। यहाँ पर 1.25 इंच का लिया है, तो आप इतना दबाने के बाद 1.25 इंच के आसपास ये मोहरी अपना नेफा जो है रह जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मेजरमेंट और इसका जो कैलकुलेशन है सारा का सारा मैं कटिंग के साथ साथ ही आपको बताने वाला हूँ। इसकी टोटल लेंथ हम रखने वाले हैं 16 इंच, और यहाँ पर जितना बच रहा है ये देखिए उतनी हम इसकी मुड़ाई के लिए ले लेंगे। 1.5 इंच, 1.5 इंच से 1.25 इंच तक हमारा ये रह रहा है, ठीक है। ये नीचे की फोल्डिंग की आ जाएगी, ये मोरी है, ये ऊपर का है। यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 13 इंच पे, ये हम आसन का निशान लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम इनके ऊपर निशान सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। ये हम आसन की जो चौड़ाई है वो रखने वाले हैं। यहां से लेंगे हम 13 इंच का, और यहां से हम इसे ले लेते हैं। ये भी हम सेम ही रख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां आप आधा इंच इसे अंदर की तरफ शेप लगा सकते हैं, 12.5 इंच, और 13 इंच ही हम यहां पर इसे रखने वाले हैं, ठीक है। इससे इसका निशान हम इस तरह से मिला लेते हैं, और इससे हम इसका निशान ये वाला हो जाएगा। अब दोस्तों आप बोल रहे होंगे यहाँ पर ये सीधा सीधा सा ही निशान हो गया, तो इसका शेप कैसे बैठेगा? वो चीज़ मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसमें हम यहाँ पर म्यानी अटैच करेंगे। इस तरह से म्यानी अटैच करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसका शेप बैठ जाएगा। यहाँ आप इसमें भी म्यानी कटिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें एक्स्ट्रा म्यानी कटिंग करके ही लगाते हैं, तो हम भी इसमें एक्स्ट्रा कटिंग करके ही लगाने वाले हैं। यहां से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हमारा, इसे कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। हमने इसे कटिंग कर दिया है, और यहां से हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं, और ये आ जाएगा, और ये इसकी मुड़ाई का। और यहां पर एक निशान लगा लेते हैं कि हमें ध्यान रहे यहाँ आसन का, और ये हमारा हो जाएगा फोल्डिंग का, ठीक है। और इसे हम यहाँ से कटिंग करके अलग कर लेते हैं। तो ये कटिंग हो गई है, और इसकी अब म्यानी कटिंग कर लेते हैं। म्यानी कटिंग करने के लिए हम 2 पल्ले लेंगे इसके, ये वाले, और ये देखिए इस तरह से हम इसे रखेंगे, और इसे हम इस तरह से लेंगे, और ये इस तरह से हम लेंगे, और ये देखिए ये म्यानी हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये शेप भी आ जाएगा, और ये यहाँ पर म्यानी भी लग जाएगी। तो इस तरह से हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस पे म्यानी लगाएंगे। इसके लिए हम 1 पल्ला लेंगे इसका, और ये वाली जो म्यानी एक है, हम ये जो निशान लगाया था यहाँ पर इसे रखेंगे, और यहाँ से इसे टच करेंगे। इसे आप चाहें तो कच्चा पक्का भी कर सकते हैं, या ओवरलॉक भी इस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी वाला हम इस तरफ लगाएंगे यहाँ से। ये देखिए जो निशान हमने लगाया था कुट का, वहाँ से लेंगे, और यहाँ से हम इसे
ठीक है, ये दोनों मैनी एक पल्ले पर अटैच हो चुकी हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर भी नोक की सिलाई लगा सकते हैं मजबूती के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमारी लग चुकी हैं। अब दूसरा पल्ला लेंगे ये इस तरह से, और यहाँ से इस पर अटैच करेंगे ये, और यहाँ से यहाँ नेपा छोड़ने का सबका अलग अलग मेथड होता है, तो हम इसमें अपने तरीके से रखेंगे। और इसे इस तरह से करेंगे और ये जो निशान है इस दूसरे छोर पे हम इसे मिला देंगे, तो इस तरह से हमारी म्यानी लग जाएगी। सेम यही प्रोसेस हमें दूसरी साइड करना है, इस तरह भी ऐसे ही कर लेना है। अब दोस्तों देखो, दोनों आसन हमारा लग चुका है, म्यानी वगैरह लग चुकी है। अब हमारे जो अंदर वाली सिलाई है ये वाली, ये देखिए, यहाँ से इसे अटैच करेंगे, ये सिलाई लगा लेते हैं। और इस पे डबल सिलाई लगा लें ताकि ये टूटेगी नहीं। सिलाई लगने के बाद दोस्तों इसे हम कर लेते हैं सीधा, और इसकी जो नीचे की मोरी है, ये वाली मोरी है, इसकी फोल्डिंग कर लेते हैं। जितना दबाव हमने फोल्डिंग के लिए रखा है उतना रखते हुए, और इसकी नीचे की मुड़ाई कर लेते हैं। ऐसे ही हमें दोनों मोरी की जो है फोल्डिंग कर लेनी है। नीचे की हमारी दोनों मोरी हैं जो फोल्ड हो चुकी हैं। अब इसका नेफा बना लेते हैं। नेफा बनाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, कई इस तरह से बनाते हैं दोनों को अलग अलग रख के। हम फिलहाल इसका सीधा सा सरल सा एक बनाने वाले हैं। ये देखिए, इसे चिराई कर लेते हैं इस तरह से, और इस पे हम जितना अपने को फोल्डिंग करनी है वहाँ तक लेना है, और इस तरह से इसकी चिराई करते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लग गई है। अब हमारा जो नेफा फोल्ड है इतना इसका मार्जिन है, और इतना हम इसे रखने वाले हैं चौड़ाई में, और इस पर हम सिलाई लगाकर इस नेफे को भी फोल्ड कर लेते हैं। तो इसे फोल्ड करने का तरीका देखें, ये देखिए इस तरह से रखें, और नीचे वाले पार्ट को खींच के रखें, ऊपर वाले को लूज रखें ताकि ये फलकेगा नहीं, खिंचाव नहीं लेगा, और बराबर रखें इसे विशेष ध्यान। ये जो बनाया है ऐसे ही आप इस साइड भी बना सकते हैं ताकि आप दोनों तरफ से इसे पहन सकते हैं, अन्यथा एक तरफ भी आप इसे बना सकते हैं। और इस पूरे नेफे को हम इसी प्रोसेस से फोल्ड कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारा अंडरवेयर का जो नेफा है फोल्ड कर लिया है, और साथ में यहाँ से इसमें इसे इस तरह से रखते हुए इसका धागा है उसे हम कट कर देते हैं, ताकि इसमें ये नाड़ा डालने वाला हमारा बन जाएगा डोरी वाला। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहेंगे ये हमें ज़रूर से आप बताएं, और इसमें हम रस्सी डाल के इसे कंप्लीट कर लेते हैं, और इस तरह से एक आप घर पर ही एक अपने किसी के लिए भी एक अंडरवियर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी, छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।